हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और ऑथेंटिक पालक पनीर की रेसिपी, सुपर इजी और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 बंच पालक। इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने बॉईल किया है, बॉईल नहीं, मैंने इसे ब्लांच किया है। ज़्यादा बॉईल करने से जो पालक का कलर है वो चला जाता है, तो ब्लांच करेंगे तो जो ग्रेवी है वो एकदम ग्रीन बनेगी। साथ में ही इसको ब्लेंड करेंगे हम 2 हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ, और कुछ नहीं मिलाना है। साथ में ही मैं यहाँ पे पनीर के क्यूब्स को फ्राई कर रही हूँ। थोड़े मोटे और बड़े पीस रखे हैं मैंने। अगर आपको छोटे क्यूब्स पसंद है तो आप छोटे क्यूब्स भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, अदरवाइज़ पनीर बहुत हार्ड हो जाएगा। हल्का ब्राउन कलर होने तक ही इसे फ्राई करेंगे। पनीर हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया है, इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। मस्टर्ड ऑयल में अगर आप कोई भी कुकिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बनती है, अदरवाइज़ आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, पालक की प्योरी बना लिया है। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च और हरा धनिया पालक इसे ब्लेंड किया है थोड़े से पानी के साथ। तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे सूखी धनिया के दाने। जीरा मैं नहीं डाल रही हूँ, साबुत जीरा की जगह मैं जीरा पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। सूखे धनिया, थोड़े से खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेल में थोड़ा सा भूनेंगे। इससे जो ना पालक पनीर बहुत ही अच्छा बनता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है इन खड़े मसालों का। थोड़े से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे चॉप करी हुई प्याज, बारीक करी हुई चॉप है, और आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो हमने प्याज इसमें डाला है इसे अच्छे से भूनना है। अगर प्याज का थोड़ा भी कच्चापन इसमें रहेगा तो जो पालक की ग्रेवी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़े लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनेंगे। तो प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। करीब 1.5 छोटी चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट है। आप अदरक लहसुन को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे भी इसको हमें अच्छे से भूनना है प्याज के साथ। तो हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर बारीक चॉप करे हुए। तो आप टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो काफ़ी पके हुए थे तो इसलिए चॉप कर लिया, अदरवाइज़ आप टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। टमाटर को भी हमें अच्छे से इसमें भूनना है, यानी काफ़ी अच्छे से जब ये गल जाए ना तब इसमें हम डालेंगे पालक की प्योरी। तो 1 मिनट के लिए इसे ढककर पकाया था। ये देखिए, टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक का जो हमने मसाला बनाया है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अभी हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो सूखे धनिया पाउडर करीब 2 छोटी चम्मच जितना, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्का सा हल्दी पाउडर और सूखी लाल मिर्च पाउडर। तो ये मसाले जाएंगे 1 छोटी चम्मच जितना, जीरा पाउडर, जीरा, कच्चा जीरा पाउडर इसमें डालना है। जीरा पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये इतना स्पाइसी नहीं होता है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च कम डालिए। अच्छे से मसाले भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे पालक की प्योरी। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च और धनिया, पालक और थोड़ा सा पानी डाल के प्योरी तैयार किया था। ये देखिए, एकदम ग्रीन प्योरी बनी थी। तो पालक को ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे तो इसी तरीके से वो ग्रीन प्योरी बनेगी। अभी इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे।
अब करीब इसमें हम एक गिलास जितना पानी इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो पालक की ग्रेवी है वो काफ़ी पतली हो जाएगी, तो एक गिलास पानी जितना इनफ होगा। तो बॉयल आने के बाद इसमें और अच्छी थिकनेस आ जाएगी, तो इसी हिसाब से आपको इसमें पानी एडजस्ट करना है। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ क्योंकि ग्रेवी ठंडी होने के बाद थिक हो जाती है, तो थोड़ा सा पानी एडजस्ट किया है इसमें मैंने। ढककर मीडियम फ्लेम पे करीब 5 से 6 मिनट के लिए इसे अच्छे से बॉईल आने तक पकाएंगे। और 5 से 6 मिनट बाद ये देखिए जो ग्रेवी है बहुत अच्छी, इसमें थिकनेस भी आ चुकी है और अच्छे से ये उबल चुकी है। अभी हम इसमें पनीर के क्यूब्स को ऐड कर देंगे और ढककर फिर 1 मिनट के लिए और इसे कुक करेंगे। आखिरी में हम एक स्पेशल तड़का इस पालक पनीर में लगाएंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इसमें डालेंगे। आप ये तड़का देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया मस्टर्ड ऑयल से जो कुकिंग होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लीजिए। इसे गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता यानी बे लीफ। थोड़ी सी हींग इसमें डालेंगे। बारीक कटी हुई लंबी अदरक यानी जिंजर जूलियंस इसमें डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है क्योंकि सूखी लाल मिर्च अगर जल गई ऑयल में तो बहुत स्पाइसी हो जाएगी। तो अभी हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। बंद फ्लेम होने के बाद इसमें थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे यानी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होगा ना, तड़के का बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है और जब हम ये तड़का इसमें मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी आपको दिखेगी भी और टेस्ट में ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये हमारा टेस्टी और ऑथेंटिक बिल्कुल ढाबा स्टाइल पालक पनीर रेडी है। आप इसे परांठे, चपाती, राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े की बनती है। आप ट्राई करें और उसके बाद मुझे इस रेसिपी का फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।